ब्यूटीफुल गर्ल्स, अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज मेरा आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आज मैं आप लोगों के साथ स्किन ब्राइटनिंग फेस पैक या फेस मास्क शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गर्ल्स, सबसे पहले हम एक खाली बाउल ले लेंगे और एक स्पून ले लेंगे, जिसकी हेल्प से हम पैक बनाएंगे। और फिर मैंने ऑरेंज पील पाउडर लिया है। ये हमारे कोलेजन और इलास्टिन को बूस्ट करता है और हेल्प करता है हमारे अनलॉक पोर्स को, और जो भी हमारे स्किन पे रेडनेस है, डार्कनेस है, उसको लाइटन करने में और हमारे स्किन में ग्लो प्रोवाइड करता है। गर्ल्स, मैंने ये एल्प्स कुटनेस का ऑरेंज पील पाउडर यूज़ किया है, जिस जो कि 250 ग्राम का है और इसकी MRP आई थिंक 199 है और 2 ईयर्स की इसकी सेल्फ लाइन है। सो आप इसको काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हो, आप देख सकते हो। सो गर्ल्स, मैंने ये यूज़ किया। आप चाहो तो घर पे ही पील पाउडर बना सकते हो। आप ऑरेंज के पील को जो उसका वाइट पार्ट होता है, उसको किसी भी नाइफ के हेल्प से हटा दो और फिर उसको सुखा के आप उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लो, तो आपको ऑरेंज पील पाउडर मिल जाएगा। सो गर्ल्स, आप चाहो तो ये भी ले सकते हो। फिर मैंने ये मैदा लिया है और ये हेल्प करता है हमारे सनबर्न को रिमूव करने में, पिम्पल और रिंकल्स को हमारे रिड्यूस करने में। कर्ड फिर मैंने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें लिया है, कर्ड जो कि हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और हमारे सनटैन को रिमूव करता है, हमारी स्किन में ग्लो प्रोवाइड करता है। एंड नेक्स्ट और लास्ट मैंने इसमें यूज़ किया है लेमन। लेमन आप जानते हो हमारी स्किन को बिल्कुल ब्राइट कर देता है और हमारी स्किन को 1 से 2 शेड लाइट भी करने में ये हेल्प करता है, तो मैंने इसमें लेमन का यूज़ किया है। मैं हाफ इसमें लेमन लूँगी। सो चलिए वीडियो पैक बनाते हैं। तो सबसे पहले हम 2 टेबल स्पून इसमें ऑरेंज पील पाउडर लेंगे। गर्ल्स की मैं अपने हैंड पे और अपने फेस पे दोनों पे अप्लाई करूँगी, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ। आप चाहो तो क्वांटिटी कम कर सकते हो। फिर मैंने इसमें 1 टेबल स्पून मैदा या रिफाइंड फ्लोर लिया है और फिर मैं इसमें हाफ लाइम जूस लूँगी और इसको भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो गर्ल्स, आप चाहो तो इसको अपने हैंड पे, फेस पे, कहीं पे भी अप्लाई कर सकती हो। बहुत ही अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है, स्किन को स्मूथ कर देता है। नेक्स्ट मैंने इसमें कर्ड को ऐड किया है। आप इसमें उस अमाउंट तक कर्ड को ऐड कर सकते हो जिससे कि एक अच्छी लिक्विड कंसिस्टेंसी हमें मिल जाए। सो गर्ल्स, मैंने इसमें अच्छे से ऐड कर लिया है जितना हमें इसको लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए चाहिए, और फिर अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो, अब मुझे जैसा चाहिए था वैसा मिल गया है। सो गर्ल्स, अब इसको मैं अपने हैंड पे अप्लाई करूँगी। आप इस तरह से किसी भी ब्रश से कर सकते हो या फिर अपने हैंड से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बस सो गर्ल्स, इसको मैं अपने हैंड पे और अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। आप भी जहाँ भी आपको नीड हो, ग्लो चाहिए आपको, वहाँ पे इसको आप अप्लाई कर लो और इसको 10 to 20 मिनट्स तक ऐसे ही छोड़ देंगे। इसको हमें पूरा ड्राई नहीं करना है, बस हल्का सा ही ड्राई हो। जब भी हम अपनी स्किन जब स्माइल करें तो खिंचे, ऐसा इतना ड्राई होना चाहिए, और फिर इसको हम ठंडे पानी से धो लेंगे। तो गर्ल्स, आप जब इसको धोगे तो आप देखना कितना अच्छा हमें से रिजल्ट मिलता है। आप इसको वीक में 2 to 3 times यूज़ कर सकते हो। इसमें भी कुछ भी हार्म देने वाली चीज़ें नहीं हैं, सो आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो गर्ल्स। तो अच्छे से आप देख सकते हो मैंने अप्लाई कर लिया अपने पूरे हैंड पे और मैं अपने फेस पे भी इसको अप्लाई कर लूँगी, और फिर 20 मिनट्स बाद आप देख सकते हो बिल्कुल ड्राई हो गया है। कहीं कहीं ये थोड़ा सा गीला है, तो बस हमें इतना ही इसको ड्राई करना है और फिर इसको हम वॉश कर लेंगे। सो गर्ल्स, आप देख सकते हो मैंने इसको वॉश कर लिया है, तो आपको रिजल्ट दिख रहा होगा। मेरी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट सी हो गई है और काफ़ी ग्लो भी आपको मेरी स्किन में दिखाई दे रहा होगा। सो गर्ल्स, अगर आपको इसका बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप इसको वीक में 2 to 3 times ज़रूर यूज़ करिए। और कैसा लगता है आपको इसका रिजल्ट, क्या मिलता है, मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो गर्ल्स, आप देख सकते हो दोनों हैंड्स में डिफरेंस, और ये आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट हो गया है। सो गर्ल्स, आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसके बगल में एक बेल बटन होगा जिसको प्रेस करना ना भूलिएगा। और हाँ गर्ल्स, इसको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।